डक्ट को एनालाइज करने के लिए डक्ट को लीजेंड वाइज करना भी एक अच्छा वे है। और डक्ट को लीजेंड देने के लिए एनालाइज टैब में डक्ट लीजेंड पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें अपनी डक्ट कलर फिल, डक्ट फिल फ्लो ये सब पूछेगा। मैं डक्ट कलर फिल सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेगा कितने से कितनी डक, कितनी टाइप की डक है, अगर कम है तब। और जब मैं इसे सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर एडिट स्कीम भी आएगी। एडिट स्कीम में जाकर मैं इसकी बाय वैल्यू, इसका कलर चेंज कर सकता हूँ या फिर उसकी रेंज भी कर सकता हूँ, जैसे कि 20 है। देन 50, 100, 150 और 200। और जैसे मैं इसको करूँगा ये अपडेट हो जाएगी, ठीक है, कि 20 से 50 तक के लिए यहाँ पर। तो इस तरह भी हम डक्ट को एनालाइज कर सकते हैं डक्ट की लीजेंड टूल यूज़ करके।